हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हमारा महामैराथन सीरीज का पार्ट नंबर 76 है, जिसमें हम कवर करने वाले हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है, जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगा और हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे साथ में। और अपन इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने, इसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ हम एडिशनल पॉइंट आपको बताएंगे, इस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएं और मुझे बताएं मेरी वॉइस पिक्चर क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है, वॉइस पिक्चर कंफर्म आ रहा है, ये कंफर्म कर दें मेरे को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जीपेट डिस्कशन सेंटर। और यहाँ पर महामैराथन सीरीज में हमारा पार्ट नंबर 76 है। अपना किसी कारणवश से पार्ट नंबर 74 जो था अपना कंटिन्यू नहीं हो पाया था, अब वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और ये आज हमारा जो पार्ट है इसमें बेसिकली हम देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस होंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले बताएं क्लियर है सब कुछ, ठीक है बेटा। तो देखो आप सभी लोगों के लिए ये महामैराथन सीरीज चल रहा है, इसका हमारा वीकली टेस्ट का पूरा शेड्यूल रहता है जो आप सभी को रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर मैराथन क्लासेस होती है हमारी। तो ये जो टेस्ट है इसको अगर जो बच्चा नहीं जुड़ा है तो जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको वैच कोड है हमारा जीडीसी जीपेट 24 इस पर रिक्वेस्ट सेंड कर देना है तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। जैसे आज जो टेस्ट था हमारा उसके टॉपिक थे गैस क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। और इसके बाद जो आपका कल का जो है हमारा टेस्ट उसमें बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स रहेंगे, विटामिन है, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हेरिडिटी डिसीज रहेगा। इसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजी का आएगा, उसमें भाई हमारे माइक्रोजिम के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद आपका फार्माकोग्नोसी का टेस्ट होगा, तो ये आप जरूर अटेंड करें। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज कैरियर गैस, ठीक है, इन गैस क्रोमेटोग्राफी। हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी में सबसे कॉमनली यूज क्या होती है, आपकी कैरियर गैस कौन सी होती है, ये गैस क्रोमेटोग्राफी का हमारा क्वेश्चन है। इसका जल्दी से आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दें। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज तो बेटा क्लियर आ रही होगी, बताएं वॉइस क्लियर है ना, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। वॉइस बिल्कुल क्लियर है, सभी लोग बी की ओर जा रहे हैं तो अपन भी बी ही आंसर करेंगे। बट देखो इसको हीलियम के बारे में थोड़ा सा अपन इंफॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हीलियम पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो देखो हीलियम का जो यूज होता है बेसिकली, इसके बारे में एक दो पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर जो अपना हीलियम है, हीलियम गैस की अगर बात करते हैं तो हीलियम जो होता है हमारा बेसिकली जो इनएक्टिव गैस होता है उसमें आता है, ठीक है। और हीलियम को हम कैरियर गैस के रूप में यूज करते हैं कहां पर, गैस क्रोमेटोग्राफी में, ये सबसे कॉमनली यूज होता है, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ट होती है इसलिए अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है अगर सेंसिटिविटी की बात करें, अच्छा रिजल्ट किसमें आएगा, हाइड्रोजन में आएगा, लेकिन हाइड्रोजन को हम यूज नहीं करते, एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी यूज हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये सभी गैसेस हम यूज कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो इसको ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हीलियम, हीलियम के बारे में कुछ अगर पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर कैरियर गैस क्या होती है, कैरियर गैस हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होती है, मोबाइल फेज होती है, जो स्टेशनरी फेज से पास आउट होती है, ठीक है। इसमें हम हीलियम को यूज करते हैं, नाइट्रोजन को यूज कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन को, आर्गन को और मेथेन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी को हम यूज कर सकते हैं, जो भी कैरियर गैस यूज करोगे वो ऑक्सीजन फ्री होना चाहिए, अगर मिनिमम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का जो अलाउ है 0.5 ppm से कम होना चाहिए, टोटल इनर्ट होना चाहिए और 99.99% की क्या होना चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए। साथ में हीलियम को हम कॉमनली यूज करते हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है और ये जो होती है यहाँ पर हाइड्रोजन की, लेकिन हाई एफिशिएंसी होती है। आप सभी से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ बेटा, हीलियम जो होता है उसको किस कलर के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, इसका मुझे कमेंट में आंसर दीजिए, किस में स्टोर करते हो हीलियम गैस के सिलेंडर का कलर आपको बताना है। जैसे भाई अपन को पता है हीलियम से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो बताइए, हाइड्रोजन सस्ती होती है, हीलियम का एक और ड्रॉबैक होता है, हीलियम बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव ज्यादा होती है हीलियम हमारी, ठीक है, एक्सपेंसिव होती है हीलियम। तो बताइए मुझे कि किस कलर के सिलेंडर में स्टोर करते हैं हमारे, किसके लिए, हीलियम के लिए, जल्दी से आंसर दीजिए,
किसी को मालूम है भाई हीलियम को किस कलर के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है? हीलियम को हमारे ब्राउन कलर के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। नाइट्रोजन को अपने ब्लैक कलर के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रे शोल्डर रहता है, हाइड्रोजन जो रहता है वो रेड कलर के सिलेंडर में रहता है। तो ये इतने आपको कलर गैसेस का जो कोडिंग सिस्टम होता है फार्मास्यूटिकल गैसेस का, जैसे हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है ब्लू कलर के सिलेंडर में स्टोर होती है। तो इन चीजों को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे प्रॉपर, ठीक है? ये याद रखना, ऑक्सीजन जो है हमारी भाई प्राण वायु है, अपन सभी जानते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, इसका जो सिलेंडर रहेगा उसका शोल्डर व्हाइट रहेगा, ठीक है, और जो CO2 का रहेगा उसका ब्लैक रहेगा। कभी आप हॉस्पिटल जाना ऑक्सीजन सिलेंडर को देखना, ठीक है, ऊपर व्हाइट कलर का रहता है, नीचे ब्लैक कलर का रहता है। तो ये चीजें जरूरी होती है पढ़ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज सपोर्ट मटेरियल फॉर द पैकिंग कॉलम इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। भाई गैस क्रोमेटोग्राफी में हमको कॉलम के अंदर ये सपोर्ट मटेरियल यूज करना है। इस पे अपना लिक्विड का लेयर बनेगा ये, ठीक है, और यहां से जब गैस अपना पास होगा तो यहां पर पार्टीशन प्रिंसिपल होगा। तो इसके लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, किसको यूज करेंगे आप? सबसे कॉमनली यूज पूछा है भाई, हम ग्लास भी यूज कर सकते हैं, हम मेटल भी यूज कर सकते हैं, हम डायटमस अर्थ को भी यूज कर सकते हैं। हमसे कॉमनली पूछा है, कॉमनली जो होता है आपका सपोर्ट मटेरियल वो क्या होता है, ठीक है? H2 क्यों नहीं होगा बेटा? H2 कॉमनली यूज नहीं है। हाइड्रोजन जो है ना हमारी कॉमनली नहीं है। हाइड्रोजन के रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, हाइड्रोजन के सेंसिटिविटी हाई होती है, लेकिन इसको कॉमनली यूज नहीं कर सकते। कॉमनली यूज हम हीलियम को ही करते हैं, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसकी, उसी को सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका आंसर क्या होगा हमारा, सीधा सीधा सी आंसर होगा, डायटमस अर्थ अपना एकदम आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये डायग्राम है, अगर कभी आपने देखा हो, एक डाउट रहता है हमेशा कि भाई अगर गैस है, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड हमारी क्या है, स्टेशनरी फेज रहेगी, तो लिक्विड स्टेबल कैसे रहेगा? तो इस लिक्विड को सॉलिड सपोर्ट के ऊपर ये लिक्विड की लेयर बनाई जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। इसको अपन बॉन्डेड फेज क्रोमेटोग्राफी भी बोल देते हैं, BPC बोल देते हैं, ठीक है। इसमें हमारी जो स्टेशनरी फेज रहती है वो लिक्विड रहती है, सॉलिड सपोर्ट पे उसकी क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। जब गैस यहाँ से पास होता है तो फिर प्रिंसिपल अपना क्या बनता है, पार्टीशन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, कॉलम के अंदर इसकी पैकिंग की जाती है, ठीक है। तो पैकिंग में जो लगभग यहाँ पर सपोर्ट रहता है उसके रिस्पेक्ट में 0.5 to 25% लिक्विड फेज रहती है, उतना हम उसमें कोटिंग करते हैं। इंटरनल डायमीटर इसका रहता है 2 to 4 mm हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील को भी यूज कर सकते हो आप, डायटमस अर्थ है हमारा, और भी यूज कर सकते हैं, बट सबसे कॉमनली हमारा डायटमस अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे अपन से वुडबर्ग फिशर रूल का एप्लीकेशन पूछा गया है, ठीक है। क्रैश कोर्स में भी मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी बेटा, अभी मैंने कोई भी क्लास नहीं ली है आपके क्रैश कोर्स में, मैंने केवल अभी आपका जीपेट का जो 2024 का बैच है उसमें क्लासेस ली है। अभी 25 में भी क्लास नहीं ली है मैंने, क्रैश कोर्स में भी क्लास नहीं ली है। हाँ, रैंकर्स बैच में जरूर हम क्लास ले रहे हैं आपकी, वहां पर हम आपको क्या कर रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी क्लासेस भी आ जाएंगी, क्रैश कोर्स में भी हो जाएगी, चिंता मत करो आप लोग, बिल्कुल हो जाएंगी सभी क्लासेस, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अपन, प्रिडक्ट द लेमडा मैक्स। लेमडा मैक्स निकालना है अपन को, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा निकालना है। इसमें हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपका जो वुडबर्ग फिशर रूल का जो चार्ट है हमारा, उसमें आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, आपने बेस वैल्यू पढ़ी होंगी, ठीक है, आपने उसमें इंक्रीमेंट्स पढ़े होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अगर जैसे ये दिख रहा है हमको, ये हमारा क्या है, अल्फा बीटा, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो हमारी 215 होती है। कितनी होती है, 215 अपनी उसकी बेस वैल्यू होती है। अल्फा पर जब इंक्रीमेंट रहता है हमारा एल्काइल तो हमको 10 प्लस करना होता है, जब बीटा पर रहता है तो 12 एड। इसमें 10 प्लस 12 करोगे तो क्या आंसर दिया आप लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही दिया है, सभी लोगों का ए आंसर है, तो अपन का भी ए ही आंसर रहेगा, इसका आंसर ये है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको वुडबर्ग फिशर रूल के बारे में बताना चाहता हूँ, मतलब कि देखो इसमें क्या करना है अपन को, बेस वैल्यू सभी के याद कर लेना, वो हमारे आपके क्या हो, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड हो, या हमारे एरोमेटिक हो, या फिर वो हमारे क्या हो, सिंपल होमोएनुलर हेटुलर डाइन हो, उन सब का याद कर लोगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके लिए, तो कम से कम आपको वो क्वेश्चन बनना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इसको गलत मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है। इसमें देखो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको वही एप्लीकेशन पे कोर्सेज में जाना पड़ेगा बेटा,
वहां पर मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी पूरी, सभी जो कोर्स का रहता है पूरा कंटेंट उसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, तो उसमें हमारी क्लासेस भी आपको मिलेंगी। तो ये देखिए आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये अल्फा कार्बन होता है, बीटा, अल्फा पे आपका 10 वैल्यू रहेगा और बीटा पे कितना होगा 12, उसको ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर नॉट इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रम। भाई ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है कि यूवी स्पेक्ट्रम में हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता है। ठीक है, हम जानते हैं भाई कि यूवी में सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं होता है, ठीक है, ये हमें पता है भाई, या एन टू सिग्मा स्टार भी होता है तो ये वैक्यूम यूवी में होता है। हमारे यूवी के मेन ट्रांजिशन क्या होते हैं, पाई टू पाई स्टार होता है और अपना एन टू पाई स्टार होता है, ये है हमारा, इसका ऑर्डर भी यही होता है एनर्जी का, ये ऑर्डर होता है हमारा, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन अपने अलग टाइप के हैं, देखो सिग्मा और पाई तो होता है, ये प्रेजेंट रहता है, चार्ज ट्रांसफर भी होता है, ये तो होता है यूवी में, वहां पूछा है कौन सा नहीं होता है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर रहेगा बताइए, इसका आंसर आप लोग आंसर दें भाई, क्या आंसर होना चाहिए इसका, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्या मिल रहा है आंसर सभी जगह से, डी आंसर मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे आप लोग डी, ठीक है। जो ये याद कर लेना आप लोग के डी ऑर्बिटल और एफ सेल्स होती है, जो हमारे डी सेल्स और एफ सेल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, हमारे एस और पी जो सेल्स होते हैं उनका होता है, तो ये सीधा सीधा इसका आंसर डी रहेगा, ये आपको याद रखना है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो एस और पी सेल से होता है और डी और एफ सेल से नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसमें देखो ये ट्रांजिशन होते हैं, इसमें पाई सिग्मा एन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसमें चार ट्रांसफर होता है और ये जो ट्रांजिशन होते हैं किसके होते हैं, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग द डी एफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ सॉरी यहाँ नॉट लिखा था आपका एस वाला, ए वाला आंसर अपना एकदम करेक्ट है, ठीक है, मैं नॉट को नहीं देख पाया था प्रॉपर, तो एस और पी सेल्स का ही अपना आंसर सही है, ठीक है, ध्यान रखना जिन लोगों ने ए दिया है बेटा वो एकदम करेक्ट थे आप लोग, समझ रहे, तो ए जो है यहाँ पे नॉट है तो ये सभी हो जाते हैं तीनों, ये वाला नहीं होता है, ठीक है, ए आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, यहाँ पर ये ट्रांजिशन सभी बार फिर से आएगा इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 55 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अकर्स इन द रेंज ऑफ, ये अपन से रेंज पूछा गया है, इस रेंज का आंसर तो सभी पे बनना चाहिए भाई, ये रेंज का है इसका आंसर बनना चाहिए, ए सही था लास्ट क्वेश्चन का आंसर, अपना ए सही था, ठीक है, उसका ए ही सही है अपना, ठीक है, याद रखना है एस और पी का नहीं होता है, डी और एफ का होता है, ठीक है, ए ही होगा आंसर उसका बिल्कुल, ठीक है, मैं बोल रहा हूं उसका ए ही आंसर रहेगा, लास्ट क्वेश्चन में जो था अपना एस और पी वाले नहीं होते हैं ये, और डी और एफ वालों का हो जाता है, ये ही सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना एक्चुअल में ये जो है ना ये कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं उसमें सेम कॉन्सेप्ट तो हमारा वो होता है बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाना या नॉन बॉन्डिंग में जाना, ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना उसको अपन को मजबूरी में आंसर देना पड़ रहा है, बट वो क्वेश्चन जो है ना उसमें क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि कौन से उसका होता है सेल का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर अपन उसको आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसमें अपन से देखो रेंज में गलती मत करना, यहां लिखा है देखो यूबी बिजविल लिखा है, तो अगर यूबी अकेले का पूछते तो 200 टू 400 हो जाता, बिजविल का पूछते तो 400 टू 800 होता, लेकिन इन्हें अपन से यूबी बिजविल का पूरा पूछा है, तो इसमें हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, अपना ए आंसर परफेक्टली करेक्ट रहे, ठीक है, ए ऑप्शन जो होगा अपना पहले क्या होगा एकदम परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यहाँ पर ये जो है ना ये टेबल, ये क्वेश्चन हमको आ सकता है इससे एग्जाम से, इसको जरूर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है वो अरेंजमेंट है उसका, एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, वेव नंबर है, ये जो चीजें होती है हमारी एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो ये लोग डिक्रीज होते रहते हैं, और यहां से अगर ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या होता है इंक्रीज, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, वेव नंबर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ये इक्वेशन है आपको, ठीक है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये इक्वेशन बहुत काम के होते हैं, ठीक है, ये वाला है ई इज इक्वल टू एच सी, वेव नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ई इज इक्वल टू एच म्यू, तो इन इक्वेशन से अगर आप देखोगे ना तो ये रिलेशनशिप हमेशा याद रखना है। सबसे अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है कॉस्मिक रेस की, इस पर नहीं लिखा है, हाँ फिर गामा रेस आता है, फिर एक्सरे आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद यूवी विजिबल आईआर माइक्रोवेव और रेडियोवेव, ये हमारे इनके
इनके रेंजेस भी आपको याद रखना है, स्पेशली जैसे एक्सरे है 1 to 10 नैनोमीटर है, यूवी है हमारा 200 to 400 है, ये आपका 400 to, इसमें एक चीज और यूनिट कन्वर्जन भी सीख लेना, हो सकता है ये अपन से माइक्रोन में पूछ ले एग्जाम में, तो आपको इसको डिवाइड कर देना है फिर 1000 से अगर माइक्रोन में आएगा, और अगर इनको नैनोमीटर में पूछ लेते हैं तो मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना कि यही याद कर लिया अपन ने, इनका कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, कन्वर्जन बनना चाहिए आप पे, ठीक है? तो ये आप लोग याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिपेंड अपॉन द, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो होता है हमारा उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ठीक है? ये हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो रहता है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द एब्जॉर्प्शन मीडियम, ठीक है, कि थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, या इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम, या रेडिएशन, क्या आंसर होगा बताइए आप लोग, आंसर क्या दे रहे हैं? हाँ, बिलो 200 बेटा वैक्यूम होता है, ठीक है, और आपका जो यूवी विजिबल रीजन, जो यूवी है हमारा 200 to 400 है, विजिबल हमारा 400 to क्या है 800 है, विजिबल से जब और आगे चले जाए तो हमारा आ जाता है नियर आईआर, ठीक है, 0.8 से ले जाके रहता है वो आपका 1.5 तक, ठीक है, और वहां से 2.5 से ले जाके फिर अगर हम चले जाते हैं 15 माइक्रोन तक तो वो आईआर बन जाता है, उससे ऊपर जाओगे तो फार आईआर हो जाता है, ठीक है? ये रीजंस आपको पूरे आना चाहिए। इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं भाई? एक चीज मुझे बताना आप लोग, आपने कभी अगर पढ़ा हो बीएल लैम्बर्ट ला पर बता के चले गए हैं, ये होता है उनका इक्वेशन, ठीक है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन लेंथ रहती है, यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है उसको मोलर एब्जॉर्बिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोलर एब्जॉर्बिलिटी बोलते हैं, यही हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कहलाता है। ये जो बंदा है ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना रेडिएशन से इसको मतलब है, इसको मतलब है तो किससे, केवल कौन सा आपका स्पेसिफिक मटेरियल है, कौन सा आपका मटेरियल है, ठीक है, कहां से ये पर्टिकुलर आपका फिक्स होता है, एब्जॉर्बिंग मीडियम जो रहता है जिससे क्यूबेट बनी होती है, मान लो हमारी ग्लास की बनी हुई है तो ये ग्लास का फिक्स रहेगा, क्वार्ट्ज की बनी हुई है तो क्वार्ट्ज हमारा फिक्स रहेगा, फ्यूज सिलिका की बनी हुई है तो उसका फिक्स होगा, ये बदलता नहीं है, ठीक है? तो आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है 56 में, ठीक है? फिंगरप्रिंट रीजन बेटा आईआर में रहता है, इसके पहले का जो है मैराथन वो आईआर वाला अपना मिस हो गया है, वो उसको आपको रिकॉर्डेड हम प्रोवाइड कराएंगे तो उसको आप अटेंड कर लेना। फिंगरप्रिंट रीजन की जो कहानी चलती है वो हमारे आईआर में रहती है, वेव नंबर की वैल्यू रहती है 1300 सेंटीमीटर इनवर्स से ले जाके 600 तक, ठीक है, तो वो आईआर में रहता है। ओके, तो यहां पर भाई ए आंसर अपना एकदम करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं यहां से, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है बियर्स लॉ डिपेंड अपॉन द, अब बियर्स लॉ की बात चल रही है, लैम्बर्ट्स नहीं है इसमें हमारे, ठीक है, केवल बियर्स लॉ है हमारे, तो एक बार आप पूरे फार्मेसी के लॉ रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो बियर्स लॉ की अगर आप बात करते हो, ये हमारा बियर्स लॉ है, ठीक है, ये बियर्स लॉ, ये एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर एब्जॉर्बिलिटी कंसंट्रेशन, यही होता है हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इस पर डिपेंड करता है, कर सकता है इस पर डिपेंड, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सामने लिखा है, करता ही है डिपेंड। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड रेडिएशन, ठीक है, लाइट एंड रेडिएशन लिखा हुआ है तो मतलब ये ऑप्शन ही रिपीट हो रहा है यहां पर सीधा, ठीक है। तो आप सी की ओर नहीं जाएंगे, मान लो चले भी जाते तो डी पढ़ लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड कंसंट्रेशन, सबसे सही आंसर अपना डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ये इंटेंसिटी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ध्यान रखना है किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर तो डिपेंड करेगा। इसका आंसर क्या होगा, डी, डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ये देखो हमारा, अगर आप बात करें जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, वो डिक्रीज होती है विद टू द आपका क्या, हाँ, कंसंट्रेशन, तो ये हमारा बियर्स लॉ होता है, और थिकनेस से जब होती है डिक्रीज तो उसको अपन लैम्बर्ट्स लॉ बोलते हैं। इसी को पूरा सॉल्व करके अपन लोग ऐसा लिख देते हैं, एब्जॉर्बेंस, मोलर एब्जॉर्बिलिटी और सी एल, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये फाइनली जो है ना डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट suitable light source for the UV visible spectroscopy, भाई UV visible spectroscopy का light source बताना है। जैसे अभी हम आपकी क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पे लाइट लगी है, तो अपनी विजिबिली तो लगी है, तो मतलब UV और विजिबल का ही तो लाइट लगा है, तो क्या आंसर होगा,
लेम्बर्टला नहीं पूछा था, तो बियर्सला में इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर लेंथ लिखा होता तो वो भी हो जाता आंसर, लेकिन लेम्बर्टला नहीं था उसमें। ठीक है, तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं या क्वेश्चंस। अरे भाई कोई कॉन्सेप्ट किसी का गलत नहीं हो रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मुझे बता दो, मैं देख लेता हूँ। आपका क्वेश्चन भेज दो मुझे बेटा, मैं देख लूंगा। ठीक है, आपने किस क्वेश्चन का बी आंसर दिया था? ठीक है, यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अपना ए आंसर होगा एकदम, हाइड्रोजन लैंप अपना एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन लैंप अपना एकदम करेक्ट आंसर। ये हाइड्रोजन क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर नहीं होता है, नर्स ग्लावर यूज नहीं होता आईआर में, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारा एनएमआर में यूज होता है, तो ये सीधा सीधा आंसर था। यहाँ पर ये सोर्सेस याद कर लेना, ड्यूटेरियम लैंप है, हाइड्रोजन लैंप है, जिनोन आर्क लैंप है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, आईआर में क्या होता है नर्स ग्लावर होता है। ठीक है, नर्स ग्लावर रहता है हमारा, मरकरी आर्क लैंप होता है, एनएमआर में रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर रहता है, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप यूज करते हैं, जीनोन आर्क लैंप को भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक जो रेजोनेंस के लिए सोर्स होता है वो क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर होते हैं। ये सोर्सेस पे क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, कभी भी सोर्स को लेके देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन आता है, जैसे एक मैं बात बोलू ना, यूवी और विजिबल ये कोई अलग अलग नहीं है, इनको आप एक मान के चलो, समझ रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन में ऐसा नहीं पूछा कि यूवी रीजन का बताओ या विजिबल का बताओ, तो भैया लड़ाई झगड़ा मत करना इसमें। देखो क्योंकि जो क्वेश्चन था ना आपका लास्ट वाला, उसमें आपको यूवी विजिबल में आपस में झगड़ा करने की जरूरत है ही नहीं। इसमें देखो आपको पूछा है यूवी विजिबल का सोर्स पूछा है, तो भैया ये तीन तो है ही नहीं उसके सोर्स, और दोनों का पूछा है इसमें। ठीक है, तो आप अगर यहां, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे होगे, सर ये तो यूवी का रहता विजिबल का नहीं होता, तो भैया वहां पेपर में आपको नंबर चाहिए, तीन ऑप्शन अपने एकदम गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर हमें लगाना पड़ेगा ये आंसर, भले वो यूवी अकेले का है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं करना है अपन को, अगर हाँ ऑप्शंस यहाँ पे लिखे होते और भी यहाँ पे लैंप के नाम लिखे होते और सब यूवी के सोर्स होते, तो फिर हम ये दिमाग लगाते कि भैया 200 से 800 नैनोमीटर तक कौन जनरेट करने का पावर रखता है। ठीक है, तो टंगस्टन फिलामेंट हमारा करता है सबसे ज्यादा, जो हमारा बल्ब होता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही था, लेकिन अब आपका यहाँ हाइड्रोजन लैंप लिखा है तो लगाना पड़ेगा ना मजबूरी में आंसर, क्योंकि भाई दूसरे तो है ही नहीं ना आपके यूवी विजिबल के सोर्स, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, समझ गए आप, तो यहां ऐसा ध्यान रखा करो इन क्वेश्चनों में, ये अपन को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कई बार ऑप्शंस को कैंसिल करो, समझ रहे, कई बार ज्यादा पढ़ना भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, समझ रहे। कई बार हम क्या होते हैं, चलो ठीक है भाई मैं कहता हूं चलो ये यूबी का है या बिजबिल का है, ठीक है, तो तुम लगाओ आंसर, फिर किसको लगाओगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, तो क्या करोगे बताइए। क्वेश्चन जो है ना, अगर ऐसा भी आता है तो हमें उसका आंसर निकालना पड़ेगा, वहां आप थोड़ी ना बोलोगे कि हम क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मोस्टली पूछते या बिजबिल का पूछते तो बात लगती है, ऑप्शन ही एक है अपन से। ठीक है, तो यहाँ पे भाई जैसे तुम कहाँ रहते हो, चलो भाई तुम्हारा एड्रेस है, तुम्हारे पास की सिटी का नाम बोल दिया उनने, तो अब क्या अपन बोलेंगे उसमें बाकी फॉरेन कंट्री के नाम है, तो मजबूरी में वो आंसर लगाओगे ना कि यार हम उसके पास रहते हैं, तो नियरेस्ट पहुंचते हैं फिर अपन। तो ये शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड, भाई लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है हमारी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं या बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, बताइए क्या आंसर होगा इसका। सभी पे बनना चाहिए भाई, रेड 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 रहेगा, यहाँ पर रेड कलर का पेन है और रेड से बात होता है। ठीक है, रेड कलर का लाइफ बॉय आता था भैया, पहले आप पद बदल गया हो तो पता नहीं, ऐसे याद कर लेना, ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। ब्लू शिफ्ट जो होती है, ठीक है, ब्लू शिफ्ट में हमारा लोअर वेवलेंथ की ओर चला जाता है। कई बार अभी तक का मेरा एक अनुमान है कि क्वेश्चन बहुत आ चुका है, तो भाई हो सकता है कभी कोई एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल जाए और यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ की जगह लिख देगा स्मॉलर एनर्जी, तो भी सही माना जाएगा, जो वेवलेंथ एनर्जी का क्या होता है इनवर्सली, तो ऐसा भी तो पूछ सकता है भाई कि जो अपना रेड शिफ्ट होता है उसमें जो हमारा जो शिफ्ट होता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, उसको अपोजिट अपन बोल सकते हैं स्मॉलर एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, हिप्सोक्रोमिक जो होता है हमारा और हाइपरक्रोमिक होता है। हिप्सोक्रोमिक में क्या होता है हमारा, ये ब्लू शिफ्ट होता है। ठीक है, हाइपरक्रोमिक में हमारी हाइट बढ़ जाती है कर्व की,
और हाई इसमें हाइट कम हो जाती है। ठीक है, ये चारों जो है ना इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना, कई एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जीपैट हो, नाइपर हो, हर जगह इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ब्लड रेड होता है, बहुत अच्छी बात है, तो अपना ब्लड रेड होता है उसमें हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, ये अच्छे से याद कर लेना। यहां पर देखो, अगर आपको कभी भी लैम्डा मैक्स शिफ्ट होता है, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसमें लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू की बात नहीं होती है, इसमें जो शिफ्ट होती है हमारी ये हाइट है, जो हमारी ये पीक होती है ना, ये शिफ्ट हो रही है उस ओर, अगर तो वो रेड शिफ्ट है और इस ओर शिफ्ट हो रहा है तो क्या होता है, उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। इसकी जो हाइट रहती है वो कांस्टेंट रहेगी, इस दौरान उसकी जो हाइट रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, हाइट नहीं होगी। ये जो कर्व होता है उस ओर जा रहा है तो रेड शिफ्ट, इस ओर जा रहा है तो ब्लू शिफ्ट। ठीक है, इसको हिप्सोक्रोमिक बोलते हैं। ये कब होगा, हमारा क्रोमोफोर माइनस कर दे, ऑक्सोक्रोम को माइनस कर दे, कुछ सॉल्वेंट इफेक्ट हो सकता है, कॉन्जुगेशन को आप माइनस कर दोगे तो ये इस ओर चला जाएगा। ये सब चीजें ऐड कर दोगे तो हमारे वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो कोई ड्रग है, उसका लैम्डा मैक्स अभी 250 है, 250 नैनोमीटर आ रहा है उसका, अगर आप इसमें ये ऐड करोगे तो उसका हो गया 275 नैनोमीटर। तो यही तो कहलाता है हमारा क्या, इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, इसमें हमें याद रखना है कि जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होती है वो नहीं होती है, वो कॉन्स्टेंट रहती है, और अगर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है तो वो हाइपरक्रोमिक कहलाता है या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये गलती मत कर देना, अगर कभी पूछ ले तो इसमें इन शिफ्टों में ये वाली वैल्यू कांस्टेंट रहती है। आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंड्स विल अकर। देखो हमारे जो ये रहता है ना यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें बेंड्स होते हैं, मतलब सेक्शंस, उनको डिवाइड कर दिया है, एक प्रकार से क्लासिफिकेशन है वो, तो उसमें हमारा ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस बेंड में आता है, ये अपन से पूछा गया है, बताइए इसका आंसर दीजिए, किस बैंड में आता है, किस बैंड में आएगा हमारा ये वाला, इसका आंसर दीजिए किस बैंड में आएगा, इसका आंसर रहता है के बैंड। और सब लोग अच्छे से याद कर देना, के बैंड जो होते हैं हमारे ओरिजिनेट्स ड्यू टू द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और यही सबसे कॉमन होते हैं हमारे, यूबी का सबसे कॉमन बैंड यही है। ठीक है, ये वाला ही हमारा कॉमन होता है, के बैंड एकदम अपना कॉमन होता है, तो ये बैंड रहते हैं। फिर आर बैंड आता है, ठीक है, तो ये जो आर बैंड होता है ये भी होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन से। ठीक है, इसकी एनर्जी जो होती है बिलो आपका 100 रहती है, इसका जो लो रहता है। ठीक है, एक बी बैंड होता है जो पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में होता है। ई बैंड जो होता है ये भी प्रेजेंट होता है इन द बेंजोइड सिस्टम में रहता है। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना, एनर्जी का ऑर्डर है ये। ठीक है, अगर वेवलेंथ के फॉर्म में जाओगे तो यहां की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, के बैंड सबसे कॉमन रहता है हमारा, एन टू पाई स्टार में क्या रहता है, आर बैंड रहता है। ये क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फॉर द कंपाउंड गिवन। ये कोई हमको कंपाउंड दिया गया है, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कैलकुलेट करना है, तो ये होमो इनहेलर डाइईन है हमारा। ठीक है, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है, बताइए आंसर क्या होगा। आर फॉर रिबिन, बिल्कुल सही बोला आपने, बताइए क्या होगा इसका, जल्दी से कैलकुलेट करो। सबसे पहले कौन दे रहा है आंसर, होमोइनलाडाइन की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितने अल्काइल ग्रुप हैं उसमें वो जोड़ना है अपन को, 20 जो है ऐड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बस बेस वैल्यू की कहानी है इसमें, अगर आपको बेस वैल्यू पता होगी तो आप सॉल्व कर जाओगे। टू सेवेंटी थ्री जिसका आंसर है, मुझे लगता है वो एकदम सही है। ठीक है, 273 अपना इसका आंसर रहना चाहिए, क्या बोलते हो आप लोग भाई, आप लोग ही आंसर दे रहे हो। ठीक है, आपका ही आंसर हम यहाँ पे मानते हैं भाई, जो आप आंसर दे देते हो उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे सब लोग अगर बी की ओर जा रहे हैं तो अपन बी ही आंसर इसको कंफर्म करेंगे फिर। ठीक है, बी आंसर है इसमें। अगर बेस वैल्यू की बात करोगे आप, बेस वैल्यू कितना होता है हमारा, 253 बेस वैल्यू है इसका। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये देखो ये हमारा 253 क्या होता है अपना बेस वैल्यू, ये होमोइनलाडाइन है इसका 253 हो गया, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ये लगा है, एक ये लगा हुआ है, और ये हमारे रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे, टोटल अपने 4 हो जाएंगे, 4 × 5 कितना होता है 20 प्लस 253 करोगे और 273 हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 253 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, समझ रहे हो, 253 होना चाहिए। ठीक है, इनको मेजर नहीं करते बेटा, इनको थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगी, आपकी स्टडी टेबल होगी ना वहां पे इसको लगा लो आप लोग और इनको रिवाइज करो कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तभी ये बनेगा,
अगर आप ये सोचोगे डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा आपको वेस्ट वैल्यू की कहानी है, ठीक है। तो वेस्ट वैल्यू याद करना पड़ेगी। तो देखो ये लिखा है जैसे ये टेबल, तो जैसे इसको याद करने में क्या कर सकते हो, पहले तो ये देखो डाइंस है, ट्राइंस है और पॉलीइंस के लिए है, मतलब हमारा कोई हेटरोएटम में नहीं है इसमें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है, ना एल्डिहाइड है, ना कार्बोनाइल है, ये हमारा एसिड है, ठीक है। ये केवल हमारा क्या है, होमोनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन, मतलब एक ही रिंग के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये रहेगा इसका 253 होता है, हेटरोएनुलर के लिए हम 214 या 215 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एलिसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन, ठीक है, ये 217 होता है, ट्राइन का वैल्यू होता है 245, ठीक है, ये याद करो। अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगता है तो 5 नंबर अपन को देना है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तब भी हमको 5 नंबर देना है, अगर बॉन्ड का एक्सटेंशन हो रहा है तो बहुत मेहनत हो रही है तो 30 अपन को वहां पे ऐड करना होगा, ठीक है। क्लोरोब्रोमो भी लग जाते हैं अगर, तो हमको 5 मार्क्स देने हैं, और अगर OH है हमारा, OR है, SH है, तो 6 मार्क्स है, ठीक है। SR के किस में कितने होते हैं हमारे, 30 मार्क्स होते हैं, तो ये याद कर सकते हो आप। और जैसे ये OCOCH3 है, ये 0 नंबर का है, इसमें 0 मार्क्स मिलते हैं, और NR2 में हमको कितने मिलते हैं, 60 मार्क्स मिलते हैं। तो ये इंक्रीमेंट्स कहला, ये ऑक्सोक्रोम है। आप अगर ऑक्सोक्रोम के डेफिनेशन क्या होता है, जो वेवलेंथ की वैल्यू को बढ़ाता है, तो ऐड ही हो रहा है तो वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ऊपर वाले क्या है, सभी हमारे क्रोमोफोर होते हैं, जो यूवी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हाँ ये भी सही है, आप अगर बात करें दो रिंग रहती है, ठीक है। यहां पर एक चीज अच्छी, ये जो है ना होमोएनुलर में आपको ध्यान रखना है कि एक साथ दोनों बॉन्ड रहते हैं तो पावरफुल हो जाते हैं वो, तो उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। हेटरोएनुलर में क्या होता है, अलग अलग बॉन्ड में रहते हैं बेचारे, अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, तो उनकी पावर थोड़ी सी कम है, उन पर कोई अटैक करेगा तो उनका पावर कम है, इसका ज्यादा है, ऐसा इसको याद करके रखना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज टू डिटेक्ट द, बताइए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसको डिटेक्ट करता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है हमारा किसको डिटेक्ट करेगा, रिफ्रैक्शन डिटेक्ट करने के लिए भैया रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है। परसेंटेज ट्रांसमिशन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन चलता है, नन ऑफ द होगा नहीं, सीधा सीधा अपना आंसर बी होगा, ठीक है। इसका आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी से आंसर दो भाई, ये इजी क्वेश्चन है एकदम, इसका बी। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है सर एब्जॉर्बेंस रहता है सर, तो आप ट्रांसमिशन क्यों बोल रहे हैं, मैं कहता हूं अपने पास 100 मार्क्स है भाई, हमको 70 मिले हैं, ठीक है, तो 30 भी तो वो होगा, जो मार्क्स मिले हैं, तो जितने नहीं मिले वो 30, तो ये कोई हमारा यहां से अगर हम 100% रेस को अप्लाई कर रहे हैं, 100 यूनिट है उसका, और बाहर पहुंच रहा है 70 यूनिट, तो इनडायरेक्टली 30 यूनिट क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया। तो जनरली हम परसेंटेज ट्रांसमिशन को ही मेजर करते हैं, इनडायरेक्टली हमको एब्जॉर्बेंस उससे मिल जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली एब्जॉर्बेंस अपन को मिल जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, अगला, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ये है यहां पर विच टेक्निक स्टेशनरी इन मोबाइल फेज आर सॉलिड एंड गैस रिस्पेक्टिवली, इसमें बताइए जल्दी, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये कहा गया है कि भाई स्टेशनरी जो एसपी साहब है हमारे वो सॉलिड है, ठीक है, और जो मोबाइल फेज है वो अपनी गैस है, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ रहे हो। तो क्या होगा जब सॉलिड और गैस जब इंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पार्टीशन तो हो नहीं सकता, ठीक है, आयन एक्सचेंज होगा नहीं इसमें, तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, या इसको क्या बोलोगे, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्या बोलोगे बताइए, आंसर क्या दोगे चारों में से। 63 क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शंस ऐसे बना दिए गए हैं कि आपसे विच टेक्निक स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आर सॉलिड एंड गैस रिस्पेक्टिवली, तो उसको अपन बोलेंगे बेसिकली गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, क्या बोलेंगे, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इसको बोलना चाहिए अपन को, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो क्या बोलोगे इसके लिए, अपन गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी ही आंसर लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पढ़ रहा होता ना अभी, तो मैं हम तो पूछ ही लेते कि सर ये एडजॉर्प्शन वाला आंसर क्यों गलत है, मुझे बताओ आप क्यों गलत है भाई, ये भी तो सही है, इसका भी तो प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन ही होना है, ठीक है, प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन है, बट क्योंकि गैस है यहां पर तो उसको अपन बोलेंगे तो गैस क्रोमेटोग्राफी ही बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर सी अपना मोस्ट करेक्ट है, ये 70% करेक्ट है, तो ये 30% करेक्ट है, ठीक है, वैसे हमारा सी ही ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन डी को भी अपन भाई अगर कंपैरिजन करते हैं तो, क्योंकि हमसे यहां गैस लिखा हुआ है तो वो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हमको बोलना पड़ेगा, तो सबसे सही तो हमारा सी ही आंसर है, बट एकदम हमारा डी भी गलत नहीं है, मैं आपको बताऊं डी भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट करेक्ट जो है ना वो, हाँ आपको क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी की बात चल रही है ना, तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सी ही होगा, ठीक है।
है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है आपके जीपैट एग्जाम के लिए, जीपैट एट योर फिंगर टिप्स। इस बुक को सभी बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें शॉर्ट फॉर्म में सभी कुछ दिया गया है, मतलब कम समय में आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा। इसमें कम समय में आप अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हो, रैपिड रिवीजन करना चाहते हो, तो ये सबसे अच्छा बुक है, इसको आप ले सकते हो। एक क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा कि सर स्टेशनरी मोबाइल पेज रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो भैया स्टेशनरी पेज तो सॉलिड ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा आपने, आपका ये डाउट दूर कर देते हैं। देखो डाउट दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। एक भाई क्वेश्चन सही पूछ रहे हो आप कि सर ये गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी लिखा है, गैस इसमें सर मोबाइल फेज होती है, स्टेशनरी फेज सर इसमें क्या होगी, सॉलिड होगी सर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज लिखा रहता है सर नाम में। एग्जाम में उन्होंने सर अपन से स्टेशनरी फेज पहले लिख दिया है, मोबाइल फेज बाद में लिखा है, तो वो लिख तो रहा है ना भाई मेरे, स्टेशनरी फेज क्या होगी मेरे भाई, सॉलिड होगी, और जो आपकी मोबाइल फेज होगी वो हमारी गैस होगी। तो ये भाई ऐसा बोल तो दिया उनने, तो ये क्या कहलाएगा, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी तो कहलाएगा। इसमें ये थोड़ी रहता है कि हमेशा भाई इसने गैस क्रोमेटोग्राफी वाले ने सब एग्जामिनर लोगों से बोला है कि भैया तुमको मोबाइल फेज ही पहले लिखना है, स्टेशनरी फेज कभी पीछे मत लिखना। ये नाम में चलता है, वहां थोड़ी चलेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज में, समझ रहे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी चलेगा, ये नाम में चलता है उसका भैया, कि जो आगे लगा है मोबाइल पेज है, जो बाद में लगा है वो स्टेशनरी पेज है, वो तो क्वेश्चन है, उसकी इच्छा भैया वो आगे पीछे लिख रहा है, आपको तो आंसर देना है। ठीक है, समझ गए, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इन चीजों को, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज है। ठीक है, आप सही बोल रहे थे, बिल्कुल सही आपने बोला है, गलत नहीं बोला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, बताइए जल्दी से। अभी पढ़ा था अपन ने रेड शिफ्ट, पढ़ा हुआ था आपने, बताइए रेड शिफ्ट क्या होता है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा, रेड शिफ्ट, हाँ रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है, कई बार इरिस्पेक्टिवली भी पूछ लेते हैं, तो फिर उल्टा आंसर देना है अपन को। ये रेड शिफ्ट का मीनिंग पूछा है, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, देखते हैं आप लोगों का सही। रेड शिफ्ट वो होती है जिसमें लैम्डा मैक्स जो रहता है इसकी वैल्यू हाई हो जाती है हमारी। पहले अपना कर्व मान लो ऐसा बना था, यहां आ रहा था ये वाला पीक, अब अपना थोड़ा दूर चला जाएगा, यहां आने लगेगा, तो अपना लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है इसमें। लैम्डा मैक्स जो होता है शिफ्ट हो जाता है हायर रीजन की ओर। ठीक है, तो इसमें देखो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है, डिक्रीज वाइज नहीं आएगा। शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू बस द लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी मतलब हायर वेवलेंथ। ठीक है, ये है, और हायर एनर्जी मतलब लोअर वेवलेंथ, मतलब नीचे वाला ब्लू शिफ्ट है, ऊपर वाला अपना रेड शिफ्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर अपना एकदम करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अभी बताया था आपको वही चीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन द, हमारा स्टेरिलिहाइड है इन यूबी विजिबल, ठीक है, इन यूबी विजिबल रीजन, इसमें कौन कौन से ट्रांजिशंस हैं, इसका आंसर देना है। देखो फिंगर टिप्स बुक्स को आप रीड करोगे तो भाई आपको साथ में थोड़ा बहुत नॉलेज रखोगे ना, तो बिल्कुल आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बताएं क्या होगा आंसर। इसमें देखो आपको एक चीज बहुत अच्छी मैं आपको समझाऊंगा, कभी भी ध्यान रखना कि ये जरूर पढ़ लेना किस रीजन में पूछ रहे हैं। यूबी विजिबल मतलब हमारा 200 टू 800 नैनोमीटर में पूछ रहे हैं, मतलब आपका इसमें जो ट्रांजिशन होगा हमारा या तो एन टू पाई स्टार होगा या पाई टू पाई स्टार होगा। अब यही हो सकता है, अगर आप बोलो कि ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार की हिम्मत है इसकी, तो नहीं होती, एनर्जी नहीं है उसके पास, और ना ही एन टू सिग्मा स्टार। ये जो काम होगा आपका 200 के नीचे होगा, जब भी तो हाई एनर्जी रहेगी, समझ रहे हो। तो इसमें अगर आप कंपाउंड को भी ना देखो ना, तो भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, इस कंपाउंड में देखो आपको एक हेट्रो एटम दिख रहा है, मतलब एन है इसके पास, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, तो मतलब इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का शिफ्टिंग जरूर करेगा। ठीक है, एन टू पाई स्टार वो जाएगा और पाई टू पाई स्टार जाएगा, तो डबल बॉन्ड है इसमें, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है यहां पर ये, तो ये आपको सीधा सीधा हमको आंसर के पास लेके चला जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो पी है हमारा और हमारा क्या है एस है, तो ये आंसर रहेगा, P और S अपना आंसर होगा। क्या दिया आप लोगों ने आंसर, ठीक है, अपन का C है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अपन से पूछ लिया जाता है, यूबी विजिबल रीजन को हटा दिया जाता है और पूछा उन्होंने ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस बता दो बेटा,
ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन, तो कौन कौन से होंगे जल्दी बताओ, क्वेश्चन बदल गया अपना, ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन बताने आपको, सभी पॉसिबल बताओ आप, कोई लिमिट नहीं है, तुम गामा रेस को भी फोन लगा लो, ठीक है, गामा रेस को ले आओ, कॉस्मिक को ले आओ, एक्सरे को ले आओ, हाई एनर्जी रेस को ले आओ, कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं फिर बताइए जल्दी, वैक्यूम यूवी रीजन में भी चले जाओ तब क्या आंसर होगा इसका, बताइए कौन से ट्रांजिशन होंगे इसमें, सब हो जाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, देखो इसमें CH3 भी क्यों, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा कि सर CH3 पे ध्यान क्यों नहीं देते, अरे हम थोड़ी ना ध्यान देंगे भैया, ये 200 टू 800 नैनोमीटर है, ये कहता है भैया मेरे बस की बात इतनी है कि जहां डबल बॉन्ड होगा मैं उसको करता हूं, मेरा एनर्जी इतना ही है, मैं सिंगल बॉन्ड की ओर ना ही देख पाता हूं, ठीक है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है ये, CH3 वाले में सिंगल बॉन्ड है भाई, अब ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार अगर तुमको कराना है ना तो तुमको 200 नैनोमीटर से नीचे जाना पड़ेगा, हाई एनर्जी रीजन में जाना पड़ेगा, अब नीचे जाना और हाई एनर्जी तुम सोचो तो ये वेवलेंथ है, अपोजिट चलता है एनर्जी का, जितना ज्यादा उतनी एनर्जी कम, तो वहां जा रहे हो तो एनर्जी कम होती जा रही है, तो अगर आपको सभी ट्रांजिशंस पूछे जाएंगे तो इसमें CH3 भी है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो जाएगा, हमारा N टू सिग्मा स्टार भी होगा, इसमें पाई टू पाई स्टार भी होगा और N टू पाई स्टार भी होगा, सब ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं हमारे इसमें। अगर आपसे कोई मेथेन का पूछ ले बेटा कि मेथेन में कौन से ट्रांजिशन होंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो बोलना भैया मेथेन में कोई नहीं होगा, वो पूछे पॉसिबल की बताओ सभी एनर्जी यूज कर लो, तो फिर हम बोलेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है, आप बोलोगे सर इसमें एन क्यों नहीं होगा, एन है ही नहीं इसके पास, हेट्रो एटम नहीं है इसके पास, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ही नहीं, तो कहां से होगा, ठीक है, तो समझ गए, तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उनसे डरना नहीं है। एक और चीज बताऊं, बुक्स में लिखा रहता है कई बार, पता है इसी बुक्स, कई बुक्स में लिखा देखा है मैंने कि ये जो ये अपना ना एस्टेल है इसमें लिखा रहता है एन टू पाई स्टार होगा इसमें और पाई टू पाई स्टार ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, अरे भाई सब कुछ हो सकता है इसमें, सब ट्रांजिशन हो सकते हैं बिलो 200 नैनोमीटर, ठीक है, बिलो 200 नैनोमीटर आप सभी ट्रांजिशन पे जा सकते हो, ओके, तो ये ट्रांजिशन है इनको अच्छे से याद रख लेना, ये कई बार ये भी पूछते हैं कहां से कहां की ओर जाते हैं, होमोटोलूमो रहता है इसमें हमारा, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है, लीस्ट अनऑक्यूपाइड लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, ये खाली है ये भरे हुए हैं, यहां से यहां ये लोग चले जाते हैं, ठीक है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, जो हमारे नॉर्मल रहते हैं जिसपे स्टार नहीं लगाए, नॉन बॉन्डिंग एन होता है, ऊपर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं यूवी विजिबल की, ठीक है, जैसे ये रेड वाला है तो रेड वाला जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वैक्यूम रीजन की, ये भी हमारा 200 के नीचे, ये दोनों हमारे चलते हैं 200 टू 400 के रेंज में, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे अच्छे से आप लोग, ठीक है, मेरे साथ यही तो होता है, एक एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीजें बताता हूं, तो अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर आप समय ज्यादा लेते हो, आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, भाई हमारा उद्देश्य एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, भाई कोई नया आ जाएगा तो क्या करोगे फिर उसकी जगह, ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आया है हमारा, एक सरल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बस लैंग्वेज बड़ी बना दी, एल्कलाइन पीएच होता है, फिनॉल लॉसेस 1 प्रोटॉन एंड एग्जिस्ट एज अ फिनोक्साइड एनायन एंड सोन, जैसा हमको डायग्राम में दिया गया, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अपन को एब्जॉर्प्शन के बारे में करेक्ट बताना है, फिनॉल सोडा मोर एब्जॉर्प्शन देन द फिनोक्साइड आयन या फिनोक्साइड आयन सो मोर एब्जॉर्प्शन देन फिनॉल या फिनोक्साइड आयन हैज इक्वल, इक्वल तो नहीं होगा, ठीक है, ए फिनॉल सोडा एब्जॉर्प्शन बट फिनोक्साइड डज नॉट सो, ये भी नहीं होगा, तो अब बी और है लड़ाई भाई, ये कम और ज्यादा की लड़ाई है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 66 का जो आप लोग बोलोगे हम वही मानेंगे, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बी कह रहे होते हैं तो बी आंसर होना चाहिए, ये ज्यादा शो करने लगेगा अपना, ठीक है, वो क्या करने लगेगा, ज्यादा शो करने लगेगा, तो यहां पर आपका ये इसका एब्जॉर्प्शन मोर हो जाता है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है हमारा ये जो होता है यहां पर आपका क्या होता है, देखो इसका ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी और नीचे चली जाती है तो और अच्छे से वेवलेंथ उसका बढ़ जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा शो करने लगता है, ठीक है, मोर ऑक्सोक्रोमिक इफेक्ट होता है इसके पास, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, जो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, सीधा सीधा इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है, ये हो गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, लैम्डा मैक्स का मीनिंग क्या होता है, हमने बहुत पढ़ा यार यूवी में, ठीक है, हाँ लोन पेयर्स इसमें है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है, मैंने यूवी में बहुत पढ़ा है लैम्डा मैक्स क्या होता है, तो बताओ भैया जल्दी से, सरल सा क्वेश्चन है, लैम्डा मैक्स क्या होगा, कोई भी बोल देगा भैया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स बोलते हो और क्या बोलेंगे, सही है ना, क्या आंसर दे रहे हो इसका, जल्दी से दो आंसर भाई, लैम्डा मैक्स, सर आप भी कैसे क्वेश्चन दे रहे हो, लैम्डा मैक्स का मतलब बताओ, लैम्डा मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू को लैम्डा मैक्स होगा, ठीक है,
हाँ, आगजो ग्रह में स्टेबल रहेगा, लो एनर्जी रहेगी, मोर एब्सॉर्ब करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या होगा आंसर? कोई ए आंसर वाला है बंदा? मुझे ए वाले को देखना है यार, कौन है ए वाला। चलो ए वाले भैया मुझे बताना, तुमने कभी पढ़ा होगा टीमैक्स? पढ़ा है टीमैक्स? अपन ने उसमें पढ़ा होगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोफाइल कर्व में, आपने भाई मेरे टीमैक्स और सीमैक्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैसे ही टीमैक्स के जैसे ही तो हमारा लैम्डा मैक्स है, कोई अलग थोड़ी ना है ये। ठीक है, तो भाई टीमैक्स का मतलब ये होता है कि 10,000 आवर्स, 10,000 आवर्स मतलब टीमैक्स। ठीक है, टीमैक्स की डेफिनेशन हम क्या बोलते थे भैया? वो टाइम जिस पर मैक्सिमम ड्रग का कंसंट्रेशन होता है हमारे कर्म में। ये इस तरीके से है हमारा कर्म, ये कंसंट्रेशन है भाई अपने ड्रग का, ये टाइम है। ठीक है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा टाइम मान लो 10 आवर्स पे आ गया, तो ये 10 आवर्स होता था भैया हमारा टीमैक्स, ना कि 20 आवर्स। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ये बोलता है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं वो अपन से इसकी कितनी होती है, तो बताइए ये अपना इसका बेस वैल्यू कितना होना चाहिए? इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा? ये आंसर किसने दिया था भैया लैम्डा मैक्स का? ये आंसर दिया था भाई 1, 2, बहुत सारे बच्चों ने दिया है ये आंसर। ठीक है, ये नहीं देना, आप तो नहीं दोगे कभी ये आंसर, टीमैक्स को भी याद रखना साथ में। ठीक है, इसमें बेस वैल्यू बस पूछिए अपन से डाइन की। ठीक है, तो टेबल थी वहां पे कितना वैल्यू था हमारा? ठीक है, कितना था भाई बेस वैल्यू बताइए? तो 17 ही था शायद, की और कुछ था? यही था भाई, बताओ आप लोग क्या होगा बेस वैल्यू? ठीक है, इसमें सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा आपसे, बेस वैल्यू पूछ रहे हैं, 217 रहेगी सीधा सीधा। ये हमारा है एलीसाइक्लिक के लिए 217 होती है, ब्यूटाडाइन या साइक्लिक कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन रहता तो 215 है। हेट्रो एनुलर के लिए कितनी होती है हमारी? 215 होती है। होमो एनुलर के लिए कितनी होती है? 253 होती है। ये ध्यान रखना, ब्यूटा वालों के लिए जो अगर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड ब्यूटाडाइन होता है तो 215 है, हेट्रो एनुलर के 215 होती है, एलीसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन जो होते हैं हमारे मतलब स्ट्रेट चेन वाले उसमें 217 होती है, इंक्रीमेंट्स हमारे यही होते हैं। अगर एसाइक्लिक ट्राइन है, रेगुलर तीन बॉन्ड है तो 245 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है, वही क्वेश्चन है जो अभी किया था, इसका आंसर दीजिए भाई क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले तो इसको पहचानना है भैया ये कहां, किस कहां का है ये बंदा? ये बंदा है हमारा क्या, ये एक ही रिंग के अंदर दोनों बॉन्ड रहते हैं तो होमो एनुलर है ये। ठीक है, मतलब पावरफुल है ये। ठीक है, तो मतलब इसका जो बेस वैल्यू होगा वो कितना रहेगा? 253 नैनोमीटर रहेगा। अब इसमें कुछ तो और लगानी है, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन लगे हैं तो वो काउंट कर लेने आपको, ये रहेगा एक यहां से हो जाएगा, एक यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है भैया? 4 होंगे। 273 है क्या इसमें? दिखा तो है, 273। तो क्या आंसर होगा? 273 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 273 आंसर हो जाएगा इसमें। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं करना, मान लो यहां पे मैं CH3 और लगा दूं, एक CH3 यहां लगा दूं, तब कितना होगा? 10 और ऐड हो जाएंगे। यहां CH3 लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, क्योंकि ये दिखाने के लिए बनाया गया, हमारा मेन सॉल्व करने वाला रीजन ये है कॉन्जुगेटेड, ये इस रीजन की हमें बात करनी, इस रीजन से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां कुछ भी लगा दो आप, यहां पे तो आप OH भी लगा दो, कुछ भी लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे रेंज में नहीं होना चाहिए, बस कॉन्जुगेटेड डाइन के रेंज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये अपन ने सॉल्व कर ही लिया। पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर द वाटर मॉलिक्यूल यूजुअल रीजन। अब ये क्वेश्चन भी हमको बहुत मतलब चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब इस क्वेश्चन में देखो ना, तो अगर आप क्वेश्चन की कमी निकालोगे ना तो इसमें तो 1000 कमी है। ठीक है, ये पहला तो कमी यही है भैया कि यूजुअल रीजन में कहां से वाटर में हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं उसके पास, कहां से कर लेगा वाटर में। ठीक है, तो वॉटर में तो नहीं होता, लेकिन अब उनने तो पूछ लिया भाई कि बताइए मुझे तो आप, तो भैया वही हमने कहा कि हमें नियरेस्ट जाना पड़ेगा, मतलब आप मन में सोच लो अपने कि भैया हमको 200 से थोड़ा सा नीचे अब जाना पड़ेगा, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या आंसर होगा क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन अलग बना दिया जाए ना एफ वाला और उसमें नन लिख दिया जाए ना तो वो नन आंसर आएगा फिर, लेकिन अब है नहीं ना अपने पास, अभी एफ है नहीं तो इनमें से ही चूज करना है। तो आप ये बताओ, कभी वॉटर को देखा है आपने? वॉटर देखा होगा सभी ने, क्या रहता है वॉटर में, कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं वॉटर में? अगर देखोगे तो वॉटर का स्ट्रक्चर देखा कभी ने, कैसा होता भाई? इस तरीके से होता वॉटर कि नहीं होता? यही होता ना वॉटर का स्ट्रक्चर, की कुछ और होता है भाई। अगर ये वॉटर का स्ट्रक्चर है ना यार, तो मेरे को तो डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा इसमें कहीं, दिख रहा तुमको डबल बॉन्ड? दिख रहा है क्या डबल बॉन्ड, बताइए बेटा, जो कौन 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 आंसर दे रहा है बेटा, कोई बी कोई डी कोई कौन कौन से आंसर दे रहे हो आप लोग? मैं तो आंसर देखना चाहता हूँ। कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, मतलब उनके घर में जो वॉटर है
उसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उनके यहाँ डबल बॉन्ड वाला वाटर आता है मतलब, तो ये पाई वाला तो रहेगा ही नहीं, ऑप्शन खत्म हो गया इनका काम। अब ऑक्सीजन बैठा हुआ है, इसके पास तो हेट्रो एटम है मतलब नॉन बॉन्डिंग है, मतलब इसके पास एन है, तो भाई अब इसमें सिंगल बॉन्ड भी है हमारा और एन भी है, तो इसमें एन टू सिग्मा स्टार भी हो सकता है भाई, और हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास? नहीं है अपने पास ऐसा ऑप्शन, फिर क्या करें अपन लोग बताइए? नहीं है ऑप्शन तो बना दें क्या? नहीं बना सकते। फिर अपने पास जो है फाइटिंग इन दोनों की, इन दोनों के बीच की है, तो इसमें से इसको तो चाहिए भैया बहुत ही हाई एनर्जी, हाई एनर्जी चाहिए इसको, इसको भी हाई एनर्जी चाहिए लेकिन इस वाले से कम चाहिए। तो अगर यूवी उज्ज्वल रीजन यहाँ लिखा है ना, तो यूवी उज्ज्वल रहेगा कहेगा भैया हम इसको कर सकते हैं, इसको तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा लेकिन इसको मैं कर सकता हूं। इसका आंसर क्या होगा? ए और डी सही नहीं होंगे, वही तो मैं बता रहा हूं। अपन को फिर ये देखना है इसकी एनर्जी जितनी है भाई, इसका जितना पावर है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इसकी तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, समझ रहे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? फिर डी आंसर रहेगा, समझ गए? इसलिए डी आंसर अपना सही होगा, इसका क्या आंसर सही होगा? डी ऑप्शन अपना सही रहेगा, इसलिए सही रहेगा। बाकी दोनों दो हो, दोनों ही सकते हैं, इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है, इसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, इसको कम चाहिए थोड़ा सा एन टू सिग्मा स्टार वाले को, तो फिर इसने कहा चलो यार मैं ये वाला काम कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो ये सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा? डी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनालिसिस वैसे ही बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप जानते हो सभी लोग, पढ़ने में किसी का मन थोड़ी ना लगता होगा एनालिसिस को, ठीक है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बस हमें घुमा देंगे वो किसमें, पी क्यू आर एस में, के बच्चा गलत कर दे, ठीक है? तो इसके लिए ऑर्डर लिख लो, आप तो अपने हाथ से लिख लो, ऐसा सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है, एन टू सिग्मा स्टार होता है, फिर पाई टू पाई स्टार का नंबर आता है, फिर हमारे एन टू पाई स्टार आते हैं, ठीक है? ये सबसे ज्यादा रेंज में, ये रेड रेड कलर की ओर जाएगा, ठीक है? तो ये है भाई इसका ऑर्डर, ऑर्डर देखो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, क्यू का आएगा, क्यू का नंबर सबसे पहले कहाँ दिया, इसी में तो दिया है शायद, क्यू, क्यू के बाद आर आएगा, ये आर दिया, एक ही है बस, इसी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको, हाई एनर्जी वाला क्यू है, तो ये सब आप अलग गलत हो जाएंगे। क्या आंसर आएगा इसका? सीधा सीधा डी आंसर अपना सही हो जाएगा इसका, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यहां से यूवी रेडिएशन जाता है, ठीक है? सैंपल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है और उसका कर्व हमको वो दिख जाता है, ठीक है? तो ये जो वेवलेंथ पर जिस पे हाईएस्ट वैल्यू आती है वही हमारा लैम्डा मैक्स कहलाता है, यही हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब विजिबल लिखना नहीं लिखा यहां पर, अब यूवी अकेला लिखा है, ठीक है? लगभग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पूछ रहे हैं, कौन से ट्रांजिशन सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं, जल्दी से बताएं इसका आंसर। इसका देखो सिग्मा वाले का तो ये करेगा नहीं कोई काम, यूवी मना कर देगा, सीधा आंसर हमारा क्या रहेगा? ये वाले रहेंगे आंसर, ठीक है? ए आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसका क्या होगा, सभी को ए आंसर देना पड़ेगा, कोई ऐसा तो नहीं है भैया जो डी दे रहा है, डी कौन दे रहा भाई, डी मत दो बेटा, डी नहीं दे पाओगे आप, ठीक है? वैक्यूम यूवी रीजन का पूछते तो अपन इनकी ओर चले जाते थे, ठीक है? लेकिन अपन से यूवी का बस पूछा है तो मतलब आपको उसी में जलना पड़ेगा, ठीक है? अगर ऐसा हो जाता है कई बार, जैसे कुछ बच्चे पूछ लेते, एक बार हमसे पूछा था कि सर ये वैक्यूम यूवी रीजन लिखा है या ये यूवी लिखा है सर, 200 to 400 नैनोमीटर है, ठीक है सर, एक अगर मान लो 210 नैनोमीटर की बात करते तो सर इसके पास तो हाई एनर्जी है सर, सर ये तो कर सकता ना ये वाला, तो सर हम ये आंसर लगाएंगे, तो मैं कहूंगा भैया तुम लगा दो ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर वाले भाई लोगों को भी देखो, ये तो पूरी रेंज को कवर कर रहे हैं, ये 400 वाला भी कर रहा है इसको, तो भाई जो ये रहेगा कॉमन, हमारा सबसे कॉमन यही है, ऊपर क्या लिखा है देखो, कॉमन लिखा है और मोस्ट कॉमन लिखा है, तो इसकी ओर नहीं जा सकते अपन, ठीक है? मोस्ट कॉमन लिखा है, ठीक है? समझ गए, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अगला क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है आप ही को करना होगा, होमोनिलडाइन फिर से आ गया आपके सामने, ठीक है? उसको सॉल्व करना है, कितना आंसर होगा उसका, होमोनिलडाइन आया है, जल्दी से करिए, 253 आ गया आपके सामने, कह रहा है मेरी वैल्यू 253 है, अब मेरे को 5 ऐड करो, तुम कितने ऐड करोगे देखते हैं, तुम लोग कितने 5 ऐड करते हो, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका?
इसमें सीधा सीधा इंक्रीमेंट्स देखना है आपको, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, थ्री रहेंगे, थ्री इंटू फाइव तो 15 रहेगा, 15 इसमें प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस 3 कितना होता है भैया, 8 होता है, इसमें कहीं 8 है नहीं, इसमें 8 है नहीं, हमारा सी ऑप्शन एकदम सही। आप बोलोगे सर इसका कोई मतलब है, नहीं भैया रेंज जो है ना ये है हमारी, हमारा रेंज ये है, इस इतनी जगह में हमको काम करना है केवल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ये हो गया, ये चूज द करेक्ट रेस्पेक्टिवली, भाई ये इनको रिस्पेक्टली आपको करेक्ट बताना है अपने कॉमन सेंस से। ये हेट्रोएनुलर डाइन है, ठीक है, ये हमारा होमोएनुलर है, ठीक है, इनके बारे में बताना है क्या होगा आंसर इसमें। ये जो पी है हमारा सिस फॉर्म में, क्या ये तो हमें दूर अपोजिट से दिख रहा है, मतलब ट्रांस होना चाहिए भैया, ये ट्रांस है वो हमारा सिस है, तो क्या आंसर होगा इसका, एकदम बी आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट रहेगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रेजेंट इन द मेथेन, मेथेन में कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं बताना है आपको भाई। मेथेन में आप अपन को उन्हें लिमिट नहीं दिया, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए तो खुला आसमान है भाई, तुम कितनी भी एनर्जी यूज कर लो, लिखा ही नहीं है उसमें। अब मेथेन में कौन से ट्रांजिशन होंगे बताइए, मेथेन में, मेथेन का आंसर दो मुझे, इसका आंसर देखना चाहता हूं। अरे वाह यार, सभी लोग तो बी आंसर दे रहे, मतलब उनके यहाँ मीथेन का उनका स्ट्रक्चर जो बनता होगा ना उसमें डबल बॉन्ड रहता होगा, जो लोग बी आंसर दे रहा है मीथेन का, मतलब उनका जो मीथेन बनता होगा ना वो अलग टाइप का रहेगा, ये हमारा तो ऐसा है भैया अपन सबका, ये है मीथेन, ठीक है। मीथेन में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का तो काम है नहीं, ना एन का कोई काम है, क्योंकि जब है ही नहीं उसके पास हेट्रो एटम कोई, तो बचा क्या हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार्ट। ये कहां पर होगा, ये हाई एनर्जी ट्रांजिशंस कहलाते हैं हमारे, हाई एनर्जी ट्रांजिशंस होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब एट द मोर वेवलेंथ एरोमेटिक कंपाउंड। भाई ये हमारा ऑक्सोक्रोम का पूछा है उन्होंने कि भाई सबसे ज्यादा किसमें होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इनमें से ये चार अपन को दे दिए हैं भाई, इसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस किसमें होगा, बताइए। ये देखो इसमें आंसर आएगा अपना, क्या आंसर होगा, एनिलीन होगा, ये हमने आपको कराया भी है ड्यूरिंग क्लास। ये देखो हमारा क्रोमोफोर है, ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इसका भी 255 आ रहा है, कितना आ रहा है 255, ठीक है, ये 255 पर आ रहा है अभी इसका, ठीक है, ये 255 पर है, इसमें अपन ने NH2 को ऐड कर दिया, 280 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोफोर अपन ने ऐड किया, फिर अपन ने यहां पे क्या किया, इसका क्वार्टनरी नाइट्रोजन बना दिया, एनीमियम आयन बन गया हमारा, तो क्रोमोफोर है लेकिन इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, तो फिर से कम हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, एनिलीन का होगा, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसका होगा, एनिलीन का होगा, ध्यान रखना है, वैल्यू ना करो याद चलेगा, बट अब ये देखो ये याद रखना, ये कई बार इसमें पूछते हैं क्रोमोफोर क्या होता है, वो बंदा होता है जो यूवी विजिबल को एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब तो ये करता है, इसको जो चार चांद लगाता है वो कौन लगाता है, ऑक्सोक्रोम लगाता है, उसकी वैल्यू को बढ़ाने में ये मदद, अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये ऑक्सोक्रोम कुछ नहीं कर सकता, ठीक है भाई, हम ऑक्सोक्रोम है, आप लोग क्रोमोफोर हो, ठीक है, जो जीपेट की तैयारी कर रहा है ना वो क्रोमोफोर है भाई, ठीक है, हम कितना भी पढ़ा लें, मान लो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको जीपेट देने ही नहीं है, समझ रहे, तो उसका मतलब क्या है, आप क्रोमोफोर हो, ठीक है, आप एब्जॉर्ब करते हो भाई रेडिएशन को यूवी विजिबल, फिर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं, और अगर भाई अगर आपको समझ आ गया भाई तो ये बहुत अच्छी बात है, तो हम बन जाएंगे फिर ऑक्सोक्रोम, ये कहानी है सीधी सी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से आप लोग याद रखिए इनको, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग डाइन, डाइन की वैल्यू कितनी होती है, सबसे पहले अपन ये बात करें तो वो डाइन की वैल्यू हमारी जो भी है 217 है, आप तो ये मान के चलो, ठीक है, उसमें आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना आंसर आएगा इसका, कितना
कितना आंसर होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए। 77। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, हम भी करते थे ऐसा, इसको हम समझ लेते कि सब्स्टिट्यूट हो गया तो चार लग गए। अरे ये हमारा रीजन ये है, ये हमारा जो है ना यहां से चलना है हमको, ये हमारा पूरा मेन सेक्शन है जहां हमको काम करना है, ये हमारा मेन रोड है, इस रोड पे अपन को चलना है, ये मेन रोड है, ये बाजू के जो ब्रांचिंग है, ठीक है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो 15 ऐड होगा इसमें, कितना ऐड होगा, 15 ऐड होगा, तो हमारा आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लैम्डा मैक्स, इनमें से लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर लैम्डा मैक्स, भाई लैम्डा मैक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मोर लैम्डा मैक्स अपन से पूछा गया है किसका होना चाहिए, इसका आंसर दीजिए। 78 का आंसर दीजिए। सी इथाइल एसिटेट दे रहे हैं, 78, ठीक है, ये क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या था, मैं इसको मॉडिफाइड कर रहा था, ठीक है, यहां पर जो बेसिकली जो है ये एस्टेलिहाइड, ठीक है, एस्टेलिहाइड अपना एकदम करेक्ट होगा, ठीक है, एस्टेलिहाइड जो होगा वो अपना सबसे करेक्ट होगा, इसका जो रहेगा, इसका लैम्डा मैक्स सबसे ज्यादा रहता है, इसका एब्जॉर्बेंस सबसे हाई आता है, ठीक है, इन लोगों में क्या होता है, ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इसलिए कम हो जाता है, इसका आंसर क्या रहेगा अपना, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका, यहाँ पर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉट एक्यूरेट इफ वी यूज द फॉलोइंग सॉल्वेंट, इसका भी आंसर दे दो, 78 का डबल क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अगला 78 का बता दो, इस 78 का बताओ क्या आंसर होगा, अगर आप मान लो पहले से ही इसको ले लेते हो, किसके लिए, हमारे बेंजीन के लिए, तो बेंजीन में तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होना ही होना है, तो इसका भी पीक आने लगेगा, तो हमारा एनालिसिस अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, हाँ OCH3 लाइक ऑक्सोक्रोम, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्यूरेट हो जाएगी, अनएक्यूरेट हो जाएगा अगर हम यूज करेंगे बेंजीन के लिए, ठीक है, क्योंकि बेंजीन हमारा यूवी रीजन में उसका लैम्डा मैक्स आता है, तो वो अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारा जो रैंकर्स बैच अभी रनिंग में है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपका रैपिड रिविजन हमारा कराया जा रहा है आपके जीपैट के लिए, तो ये आपको शॉर्ट टाइम में पूरा आपका रिविजन चल रहा है, डेली 3 आवर्स की क्लासेस हमारी रहती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एब्जॉर्प्शन लॉ रिलेटेड टू द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका आंसर बताइए, 79 का, 79 का आंसर क्या होगा, ठीक है, 79 का क्या आंसर होना चाहिए भाई, ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दो बेटा, मुझे इसका आंसर सब लोगों से चाहिए, देखना चाहे थे, किसको पता नहीं होगा यार, आज के समय में किस बच्चे को पता नहीं होगा कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ यूज होता है, बताइए किसको नहीं पता, किसको नहीं पता आज के समय में, बताओ, सभी को पता है, ठीक है, सबको तो पता है, आप लोगों को है कि नहीं, सबको पता है भाई, तो मुझे ये बताओ कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आप क्या सोच के जाओगे घर से, वहां क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम आंसर लगाएंगे, हम कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या लगाएंगे, आंसर लगाएंगे, ये आंसर लगाने के लिए निकल पड़े आप, एडजॉर्प्शन नहीं होता बेटा, ये सरफेस बनाओ, यहाँ एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ होते हैं हमारे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो होते हैं बीएल लैम्बर्ट का, यहाँ एडजॉर्प्शन लिखा था इसलिए अपन को नन आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसलिए दिया था एक क्वेश्चन, कम से कम आप लोग क्वेश्चन पढ़ना तो सीखो, क्वेश्चन पढ़ना है हमें एग्जाम में, ऑप्शंस पूरे पढ़ने हैं, उनको हमको कैंसिल करके आंसर निकालना है। ठीक है, समझ गए आप, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बीएल लैम्बर्ट्स लॉ लिखा है लेकिन मैंने अभी एट अ टाइम इसको चेंज कर दिया था, तो नन ही आंसर होगा, एडजॉर्प्शन लिखा है वहां पर, यहाँ पर देखो ये एब्जॉर्प्शन लॉ होते हैं हमारे। ठीक है,
जो लेंथ वाला रहता है वो हमारा लैम्बर्ट्स लॉ होता है, जो कंसंट्रेशन वाला होता है वो हमारा क्या होता है, बीयर्स लॉ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो तुम लोग, वही तो समस्या है। आप अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, समझ रहे हो। अगर आप क्वेश्चन अच्छा पढ़ोगे ना तो नेगेटिव मार्किंग कम होगी आपकी और आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर ऑप्शन कैंसिल करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, भले आपको नॉलेज है लेकिन आप एग्जाम में जाते हो और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अगर नहीं है तो हमारा पढ़ने का मतलब क्या हुआ फिर, आप बताइए। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तो जरूरी होता है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हो रही है भैया, प्रिंसिपल बता दो इसका यार। यहाँ पर गैस है और ये सॉलिड है हमारे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या होगा इनके बीच में यार, एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन ही लिखा है, देख लो, एडजॉर्प्शन तो नहीं लिख दिया हमने, नहीं साहब एडजॉर्प्शन ही लिखा है, तो एडजॉर्प्शन ही होगा फिर। ठीक है, एडजॉर्प्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। पार्टीशन तब होता है जब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगी। ठीक है, जब गैस लिक्विड होती है तब पार्टीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोमीटर यूज टू मेजर द फ्लो रेट। क्या बात कर रहे हो, फ्लोमीटर काय का फ्लो रेट मेजर करेगा गैस क्रोमेटोग्राफी में, बताइए आपको ये कोई क्वेश्चन है क्या, बताइए। मोबाइल फेज का फ्लो रेट करेगा क्या मेजर, कि कैरियर गैस का करेगा। यहां तो दिक्कत हो गई ना, इसी में तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ये तो आंसर होंगे नहीं, ये तो स्टेबल लोग हैं, इनका फ्लो थोड़ी होना, ये तो फिक्स है भाई, ये तो हमारी फिक्स है, ये थोड़ी ना, ये तो हमारे भाई रोड है, ये तो रोड है ना हमारी। ठीक है, ये तो आपका रेलवे का ट्रैक है सीधा सीधा, इसका क्या आंसर होगा आप बताओ। मैं तो कहूंगा भाई क्या आंसर दोगे, फिर वही समस्या, दो ऑप्शन सही है इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्योंकि देखो यहां पर क्वेश्चन में फ्लो मीटर यूज इन मेजर टू फ्लो रेट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो उसमें मोबाइल फेज तो हमारी गैस ही होती है ना, तो ये स्पेसिफिक आंसर हो गया। जैसे कोई अपना एड्रेस पूछता है भाई, कोई हमारा एड्रेस हमसे पूछे तो मैं कहूं मैं भाई इंडिया में रहता हूं तो ये गलत है एड्रेस, मैं बोलूं एमपी में रहता हूं तो ये भी बड़ा एड्रेस हो जाएगा, मैं बोलूं मैं सागर में रहता हूं तो ये एकदम स्पेसिफिक आंसर है, तो फिर ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अपन को बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल फेज में तो पूरी मोबाइल फेज आती है, ये लिक्विड भी आता है इसमें हमारा, गैस भी आता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये बात किसकी चल रही है, गैस क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, तो ये फिर हमको आंसर क्या करना पड़ेगा, इसमें बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन ट्यूबुलर कैपिलरी कॉलम कम अंडर द विच टाइप। ओपन ट्यूबुलर कैपिलरी कॉलम को क्या बोलते हैं बताओ, ये कोई क्वेश्चन है क्या, बताइए क्वेश्चन है क्या ये यहां तुमने लिखी दिया है कैपिलरी कॉलम, तो कैपिलरी कॉलम ही तो बोलोगे आपको। ठीक है, कैपिलरी कॉलम ही तो होगा हमारा, एनालिटिकल कॉलम के टाइप होते हैं ये हमारा 82। ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अरे भैया गलत नहीं होगा, मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारा एड्रेस, तुम बोलो मैं तो इंडिया में रहता हूं, भारत में रहता हूं, और भाई तो गलत है ना वो, इतना बड़ा आंसर थोड़ी देना हमें। ठीक है, समझ गए तुमको, मैं पूछूं पेनिसिलिन क्या है तो तुम बोलोगे सर पेनिसिलिन तो एंटीमाइक्रोबियल है, एंटीबैक्टीरियल है, और एक बंदा बोलता है सर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो वो उसका ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक आंसर की ओर जाएंगे ना हम लोग, ऐसे ही क्वेश्चन गलत नहीं करना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है अपना, क्वेश्चन को ही आंसर बना दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम यहां पर। ये देखो कॉलम का क्लासिफिकेशन है हमारी क्रोमेटोग्राफी में, इसमें देखो कैपिलरी कॉलम होता है उसको ओपन कॉलम बोलते हैं, ग्लोली कॉलम बोलते हैं। ठीक है, एक पैक्ड कॉलम होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम होता है हमारा, सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम होता है। ठीक है, एक स्पेशल वॉल कोटेड कॉलम होता है, इसको अपन फ्यूज सिलिका वॉल कोटेड कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट मॉडर्न जो होता है हमारा वॉल कोटेड कॉलम होता है, ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेक्टर बेस्ड ऑन द मास ट्रांसफर इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में बेटे डिटेक्टर बहुत आते हैं। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी में डिटेक्टर बहुत आते हैं। ठीक है, अच्छे से कर लेना इनको तैयार, वरना कहोगे सर क्वेश्चन आया और हम गलत कर आए। ठीक है, मास ट्रांसफर पे कौन सा डिटेक्टर बेस होता है हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, थर्मल, ये दोनों तो मुझे एक से लग रहे हैं तो ये होंगे नहीं, आल होगा नहीं, यही थोड़ा अलग है हमारा। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, क्या होगा इसका आंसर, बी आंसर होगा, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर अपना एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर अपना एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो डिटेक्टर्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ, थोड़ा सा आपका 5 मिनट का समय ज्यादा लग जाएगा। देखो मास फ्लो जो होते हैं हमारे, मास फ्लो रेट को जो डिटेक्ट करते हैं,
उसमें फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है हमारा, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज है हमारा ये हाइड्रोजन गैस फ्लेम इसमें यूज करते हैं। एक हमारा थर्मो आयनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर होता है, एक नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर होता है, एक आपका फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर होता है। तो फ्लेम वाले हमारे मास ट्रांसफर वाले हैं, और कंसंट्रेशन सेंसर जो डिटेक्टर होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है, इसमें हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर होता है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, PID होता है, इसी में कैथरोमीटर रहता है हमारा। ये आपको ध्यान रखना है डिटेक्टर्स के नाम, ठीक है, ये क्लियर आपको याद रखना है डिटेक्टर्स के नाम, इनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर मोस्ट कॉमनली यूज, आ गया वही क्वेश्चन भाई, कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज होता है, फ्लेम आयोनाइजेशन हमारा मोस्ट कॉमनली हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में करते हैं इसको, ठीक है, मोस्ट कॉमनली इसको अपन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द डिटेक्टर यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी व्हेन सैंपल कंटेन द हैलोजन, हैलोजन के लिए क्या करोगे आप, देखो कैथरोमीटर जो होता है हमारा वो रिलेटेड होता है आपका वही कंसंट्रेशन सेंसिटिव वाला है, फ्लेम आयोनाइजेशन अपना मास वाला होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर हैलोजन के लिए पूछा गया है, हैलोजन के लिए बल्ब पे काम करेगा। इसका आंसर दीजिए फटाफट, फ्लेम आयोनाइजेशन जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्लेम आयोनाइजेशन जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है भाई, देखो थर्मल कंडक्टिविटी तो नाम ही नहीं जुड़ा इसके साथ, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर ये तो हो नहीं सकता आंसर, केमिकल कंडक्टिविटी ये कोई कॉन्सेप्ट अपन रहता नहीं है, पोटेंशियोमेट्री तो आप पढ़ नहीं रहे हो, तो बचा क्या अपने पास बताइए, क्या बचा, क्या एक ही ऑप्शन बचा हुआ है केवल, और वो बचा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या बचा हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बचा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, देख लेते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो यहाँ पे लिखा है कि फ्लेम आयोनाइजेशन के पूरे पॉइंट है, देखो ये मैंने आपको दे रहा हूं, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है, मास फ्लो होता है, मोस्ट वाइडली यूज होता है, हाइड्रोजन गैस फ्लेम इसमें यूज करते हैं, ठीक है, बर्निंग करता है, फ्रेगमेंटेशन होता है कंपोनेंट्स का, ऐसा मत समझने लगना कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, उसमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस का फ्लेम यूज करते हैं अपन, और उससे ही फ्रेगमेंटेशन होता है कंपोनेंट का, पॉजिटिव चार्ज जो फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही ना इसमें, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें आपका पूरा करंट जनरेट होता है हमारे क्रोमेटोग्राम में, उसके बेस पर ये पूरा हमारा काम करता है, इसलिए आंसर क्या रहेगा इसका अपना, ये जो आंसर था बी अपना एकदम सर है। ये भाई पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर अ लिक्विड सैंपल इंजेक्टेड इनटू द कॉलम गैस क्रोमेटोग्राफी, अब गैस क्रोमेटोग्राफी में तुम इंजेक्शन लगाओगे तो कौन सा इंजेक्शन रहेगा बताइए, हाइड्रोकार्टिसोन का इंजेक्शन होगा, एडिनिलिन का होगा, इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं भाई, ठीक है, यहाँ तो भाई गैस जो टाइट सिरिंज ये तो होगा नहीं, इसमें अपन माइक्रो सिरिंज यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, माइक्रो सिरिंज को, फ्लेम थर्मल हीट बेटा वो वहां पे उसका कॉन्सेप्ट तो फ्रेगमेंटेशन है, उस फ्रेगमेंटेशन से जो आयंस बनते हैं उनका मूव होता है, उसी से करंट जनरेट होता है और क्रोमेटोग्राफी बनती है, तो उसमें कांसर अपन को क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही देना पड़ेगा, ठीक है, 84-87 का बी होगा अपना आंसर, ठीक है, 87 इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द हीलियम, हीलियम का डिसएडवांटेज तुमको बताना है, बताओ जल्दी से हीलियम का डिसएडवांटेज क्या होगा, अभी बता चुका हूं पहले ही क्वेश्चन में बताया था बेटा हीलियम का डिसएडवांटेज, ठीक है, डेंजरस तो नहीं होता हीलियम, आग माग तो नहीं लगती यार इसमें, ठीक है, एक्सप्लोजिव नहीं होता ये, ठीक है, रिड्यूस द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ज्यादा नहीं होती तो कम भी तो नहीं करता ना, ये भी नहीं होगा, हाई डेंसिटी ये हो सकता है क्या, हाई डेंसिटी जो डिसएडवांटेज पूछ रहा है आपसे भाई, ये क्या रहेगा इसका आंसर, महंगा होता है हीलियम, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, हीलियम क्या होता है अपना एक्सपेंसिव होता है, बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर से वही डायग्राम आपके सामने फिर से आ गया है, एक्सपेंसिव होता है, ब्राउन कलर के सिलेंडर में इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, ध्यान से पढ़ लेना, क्वालिटेटिव कर रहे हो गैस क्रोमेटोग्राफी में तो क्या पैरामीटर निकालोगे, क्वालिटेटिव कर रहे हो, ठीक है, ये पीक हाइट हो गया, पीक एरिया हो गया, ये क्वांटिटेटिव के लिए चलते हैं, क्वालिटेटिव के लिए अगर रिटेंशन टाइम के बेस पर अपन कंपेरिजन कर लेते हैं, इतना रिटेंशन टाइम इसका आया है उसका भी इतना ही होता तो मतलब ये यही होगा, जैसा लैम्डा मैक्स देखते ना अपन कि भाई ये इस ड्रग का 250 नैनोमीटर है, उसका अननोन सॉल्यूशन का भी 250 नैनोमीटर आया तो वो हमारा क्वालिटेटिव हो जाता, तो वैसे इसमें रिटेंशन टाइम अपना क्या होता है, क्वालिटेटिव हो जाता है, ठीक है, रिटेंशन टाइम क्या हो जाता है अपना, क्वालिटेटिव हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके बच्चे अभी आपके बी फॉर्म में है, ठीक है, आप उसमें या तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, ठीक है, थर्ड ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आपका जीपैड का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, अभी ज्यादा क्लासेस में नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको सबसे पहले, और आपको वहां पे आपको ये कोर्स मिलेगा, आपको जीडीसी प्राइम कोर्स, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो आप जितने जल्दी ज्वाइन करोगे ना उतना अच्छा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे आपको मेन फायदा क्या होगा, आपके सेमेस्टर में भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। कंडीशन मेंटेन्ड इन प्रोग्राम्ड टेम्परेचर गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बताइए, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ एंटायर कॉलम इज राइज, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द डिटेक्टर इज राइज, टेम्परेचर ऑफ सैंपल इंजेक्टर इज राइज, टेम्परेचर रिकॉर्डर इज राइज, ये क्या होगा इसका आंसर भाई, ठीक है। फास्ट कर दें हम, फास्ट करने में दिक्कत क्या होगी, नई चीजें नहीं बता पाएंगे यार हम, समय तो अपना बच जाएगा पांच मिनट का, लेकिन क्या होगा, हो सकता है जो चीज अपन बता रहे उससे आपको क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप जल्दी के तो भाई जल्दबाजी में पढ़ाई नहीं होती कभी, पढ़ाई तो आराम से ही होती है, समझ रहे हो, पढ़ाई आप पढ़ते होगे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ आपको कोई टॉपिक रहता है कभी पढ़ के देखना, आप कहना मैं इसको 10 मिनट में पढ़ता हूँ, जिंदगी में पहले कभी पढ़ाना हो तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो भाई पहली बार टाइम लगता है, और जब हम पढ़ाएंगे तो आपको साथ में दूसरी चीजें बताएंगे तो थोड़ा सा समय लग जाता है। इसका आंसर जल्दी से बताओ, ये आंसर दे रहे हो सब लोग, अब इसमें कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में ही कुछ पावर नहीं है, तो क्या करेगा क्वेश्चन अपना बताइए। जैसे आप बोलो चलो मैं मान रहा हूँ नहीं पढ़ा अपन ने, टेम्परेचर डिटेक्टर का काम क्या मतलब का, डिटेक्टर का टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे सैंपल का क्या करना हमको, ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है हमारा कॉलम का ध्यान रखना है, हमको कॉलम का टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, हो ही गया कंप्लीट, बस रहे कितने गए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 मिनट लगेंगे भाई, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिनिमम वेवलेंथ, ये पहला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन था किसमें मिनिमम वेवलेंथ होता है, तो कोई बोलेगा सर इसमें तो होता है मिनिमम वेवलेंथ ब्लू लाइट में, अरे भैया तो ये बिजबिल का है, बिजबिल का है, ये ओवरऑल पूछ रहा हूं अपन से किसमें होता है मिनिमम वेवलेंथ, टेम्परेचर हाई रहता है 150 तक चला जाता है, ठीक है, 80 टू 150 तक हो सकता है टेम्परेचर हमारा, क्योंकि वोलेटाइल सैंपल रहता है इसमें, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए तो उसका कंडेंसेशन हो जाए, इसलिए हम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बी आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे, वो क्या है, उनको अपनी कलरफुल दुनिया दिख रही है, और जो रेस हमको नहीं दिखते उनको नहीं दिख रहा है, वो पूरा पूछ रहा है भैया मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है, इसमें वी आई बी जी बाई ओ आर, ये है हमारा 400 से 800 तक की कहानी, ठीक है। इसके अंदर कोई पूछेगा विजिबल में तो आंसर ठीक है भाई, ठीक है, और उसमें भी वायलेट आंसर होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है किसका मिनिमम वेवलेंथ है, भैया गामा रे सबसे मिनिमम वेवलेंथ रखती है, ज्यादा एनर्जी होती है, पेनिट्रेशन पावर बेहतरीन होता है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर आता है अपने एक्सरे का, ठीक है, एक्सरे का, फिर आईआर का नंबर आता है, फिर यूवी का नंबर आता है, फिर विजिबल का नंबर आता है, ठीक है, फिर हमारे माइक्रोवेव रेडियोवेव ये सब आ जाते हैं, ठीक है, थीके? तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से। माइक्रोवेव को अपन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं, रेडियोवेव्स को एनएमआर में करते हैं, आईआर को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं, और गामा रेस जो होते हैं हमारे गामा रेस का एनालिसिस उसमें यूज करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी रेंज अपन वेव यूज फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के लिए किसको यूज करते हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर ये 92 है, इसका आंसर दीजिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का है उसका अपन को कम्युनिकेशन करना है तो किसको यूज करोगे, आईआर तो आपके घर में रहता है, आपके घर में है आईआर, आप बोलोगे सर हमारे घर में तो नहीं है आईआर, अरे आपके यहाँ टीवी का रिमोट तो होगा भैया, रिमोट है कि नहीं, टीवी का एलईडी का, ये जो रिमोट रहते हैं ना ये रखा है, देखो ये रिमोट है हमारे कैमरे का, ठीक है, तो इसमें जो ये चलते हैं ना रिमोट वगैरह ये सब आईआर से चलते हैं, रिमोट काय से चलते हैं अपने, रिमोट जो होते हैं आईआर से चलते हैं, रिमोट अपने काय से चलते हैं आईआर से चलते हैं, रिमोट जो होते हैं अपने पूरे आईआर से चलते हैं, आपको ध्यान रखना रिमोट काय से चलते हैं, आईआर से चलते हैं, रेडियो वेव्स जो होती है हमारे ये जो मोबाइल है सिग्नल्स हैं ये सब रेडियो वेव्स से चलते हैं, माइक्रोवेव ओवन घर में रखा रहता है भाई वो माइक्रोवेव रहता है हमारा, ठीक है, एक्सरे से अपना डायग्नोस्टिक में यूज होता है, तो इसमें अपन से पूछा ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं माइक्रोवेव से चलते हैं, क्या आंसर दिया आप लोगों ने, क्या आंसर दिया इसका, कुछ लोग
इसका ए आंसर होगा बेटा, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का पूछा गया है, सैटेलाइट बहुत ऊपर रहते हैं, ठीक है, सैटेलाइट का पूछ रहे हैं यार आपसे, हमारे रेडियो टावर्स का थोड़ी पूछ रहा है आपसे, सैटेलाइट का पूछा जा रहा है, ठीक है। सैटेलाइट तो आपको याद रखना है, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ट्रांसमिटेंस इज गिवन, टी इज इक्वल टू पी अपॉन पी जीरो, पी जीरो इज द पावर ऑफ इंसिडेंट ऑन द सैंपल, व्हाट डज पी रिप्रेजेंट, पी क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें बताइए। ये सभी को पता होगा भाई कि ये पावर ऑफ इंसिडेंट है, तो पी क्या रिप्रेजेंट करता होगा बताइए, बताइए। अभी पता पड़ा था, क्वेश्चन था अपना कि अपन ट्रांसमिटेंस को मेजर करते, तो वही तो है हमारा भाई, इन्होंने पी लिख दिया, अपन आई अपन आई जीरो पढ़ते हैं, अपन लोग क्या पढ़ते हैं, आई अपन आई जीरो पढ़ते हैं। अब उन्हें लिखा तो है कि भाई हम ट्रांसमिटेंस को पी पी बोल रहे हैं इंसिडेंट को, और ट्रांसमिट को हम पी जीरो बोल रहे हैं, तो सीधा सीधा आंसर इसका ये हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल आया है भैया, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, ठीक है। 94 का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एब्जॉर्बेंस है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी होती है, और सीएल होता है। अपन से क्या पूछा है इन्होंने, ईमैक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सीएल अपॉन ए हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी दी गई हमको, यहाँ सी की वैल्यू दी गई है 2.5, ठीक है, 10^-4 है ये, ठीक है। और लेंथ कितना दिया है हमारे लिए, लेंथ दिया है भैया 1 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है, ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये बेबी लेंथ का तो कोई काम है नहीं यहाँ पे, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा बताइए, क्या आंसर होना चाहिए। मोलर एब्जॉर्बिटी पूछी, हाँ एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस यहाँ पे ये यहाँ पे दिया गया है, ये इसका मोलर सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेशन दे दिया अपन को, लेंथ दे दी है 1 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक है। और क्या लिखा रहा है आपको, ये एब्जॉर्बेंस दिया है ना अपन को 1.17, ये रखना पड़ेगा 1.17, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपके लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, करिए सॉल्व, कितना आएगा आंसर, ये तो देखो आपको सीधा सीधा है 2.5 / 1.1 करना, ये है कहानी इतनी सी। तो 2.5 / 1.1 कितना आंसर आएगा, ये आंसर आना चाहिए। हाँ ये बेटा थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये सही बोल रहा हो, यहाँ पे आएगा a अपॉन cl आएगा, इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा, मैंने ये अपोजिट लिख दिया था, ये नीचे आएगा अपना, तो ये रहेगा 1.1 / 2.5, ठीक है। तो आंसर अपना आ जाएगा फिर इसका आराम से, कितना आंसर आएगा, ये सब नीचे चले जाएंगे, 10^-4 नीचे जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर है सही, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वहां पे वो फार्मूला जो था ना वो उल्टा लिख दिया था मैंने, क्या होगा बताइए, सॉल्व करो, चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व, आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं ही कर लेता हूँ। ये रहेगा आपका यहाँ पर एब्जॉर्बेंस 1.1 है, यहाँ पर अपना ये दिया है 2.5 × 10^-4 है, × 1 रहेगा, तो ये ऊपर ही चला जाएगा हमारा, तो 1.1 रहेगा, 2.5 रहेगा, यहाँ 10^4 रहेगा। इसको सॉल्व करोगे अगर 100 मान के भी चलते हैं अपन, तो 0.4 के अराउंड आएगा, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, बी आंसर रहेगा अपना, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, इसका सी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, कैसे कैलकुलेशन किया गया है। यहाँ पे अच्छा ये सेंटीमीटर का यूनिट कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 10^-7, ये प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन कर दिया गया है। यहाँ पे देखो ये एब्जॉर्बेंस दिया गया है आपको इतना, ये मोलर दिया गया है, सेंटीमीटर 1 है, ठीक है। यहाँ पर आपका है 1.17 / 2.5 × 10^-4 मोल × 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को करने की जरूरत क्या है, ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप ऊपर ले जाओ ना इसको सीधा सीधा, 1.17 रहेगा, 10^4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2.5 रहेगा, तो इसमें कन्वर्जन का रोल है ही ज्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर तो भाई बी होगा, ठीक है, ठीक है, बी ही होना चाहिए। इको हो रहा है, अभी होने लगा कि पहले से हो रहा है बेटा, अभी हो रहा होगा इको लगता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में जो है ना अपना यहाँ दिया जरूर है, लेकिन इसका तो आंसर मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें यूनिट कन्वर्जन का कोई रोल ही नहीं है, आप सेंटीमीटर में दियो सेंटीमीटर लिखे हो, या मोल में है ही वो हमारा पूरा सब कुछ, तो क्या होना चाहिए आप लोग बताइए भाई, क्या होना चाहिए। डबल वॉइस आ रहा है, क्यों आ रहा है डबल वॉइस, देख लेता हूं मैं, एक
इको होने लगा है, बी ही आएगा इसका आंसर। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं वॉइस चेक कर ले। इको आने लगा है, दो मिनट वेट कर लो बेटा, ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अपना सेशन भी कंप्लीट हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ द मोनोक्रोमेटर। सभी जानते हो कि मोनोक्रोमेटर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है, उसको अपन क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, ठीक है। वॉइस का यार मैं माइक निकाल देता हूं, आपके कमेंट में देखूंगा तो टाइम अपना चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये अपन जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू होल्ड द सैंपल, उसको क्यूवेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें सैंपल रखते हैं वो क्यूवेट होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा, विच ऑफ द टाइप ऑफ डिटेक्टर कंटेनिंग द इंटीग्रेटेड चिप, किस डिटेक्टर में इंटीग्रेटेड चिप, ये हमारा रहता है चार्ज कपल डिवाइस जो होती है उसमें इंटीग्रेटेड चिप को अपन यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है ये है, यूवी एग्जिट स्लिट यूज फॉर, जब हमारा रेडिएशन सैंपल पर स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर एग्जिट स्लिट होता है, तो ये सैंपल के जस्ट पहले रहता है, तो जब अपना क्या होता है, रेस किस पर होगी, फॉल ऑन द सैंपल सेल, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर फिर सी रहेगा। देखो ये डायग्राम आपने देखा हो, ये रहता है यहाँ पर एग्जिट स्लिट, ये अपना सैंपल रहता है, यहाँ पर सैंपल पर वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। आज टू मेजर द अब्जॉर्बेंस ऑफ द रेड कलर फॉलिंग फिल्टर में, उसके लिए रेड कलर के लिए ग्रीन फिल्टर यूज करते हैं, ये चाहो तो याद कर सकते हो ये वाला, इस पर देखो ये रेड कलर का अगर आपको चाहिए, ठीक है, रेड कलर का सॉल्यूशन है तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा, रेड कलर का सॉल्यूशन है, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में क्या दिया गया, रेड कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो फॉलिंग फिल्टर में भी यूज, ठीक है, तो ग्रीन भी यूज करते हैं, ब्लू भी यूज करते हैं, ठीक है, ये ग्रीन भी यूज होता है यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन भी रहता है, ग्रीन और ब्लू दोनों यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो ये चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन अपन कई बार इनको भूल जाते हैं, तो अगर याद हो जाए तो ठीक है बेटा, याद कर सकते हो इसके लिए आप। बाकी इसमें जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये रेड कलर का है, यहाँ पर रेड कलर सॉल्यूशन है, तो उसमें ब्लू ग्रीन दोनों ही रहते हैं, तो अपन को ग्रीन आंसर ही लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना है अपना आंसर क्या होगा, ग्रीन ही होगा, आंसर अपना ग्रीन ही होगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और न्यूमेरिकल रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। ये है हेटेरोनिलर डाइईन दिया गया है हमारा, कि होमोनिलर डाइईन, ये अपना होमोनिलर डाइईन है, ये हमारा कंपाउंड है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताएं, ये आपका 253 इसका रहेगा, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन बस काउंट करना है आपको बेसिकली, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप गलत काउंट कर लोगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, कितना आंसर आएगा बताइए, इसमें सब्स्टिट्यूशन का ही रोल है, केवल आपको सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर काउंट करना है और कुछ नहीं है इसमें, 283 आएगा इसका आंसर हमारा। इसमें हमारा दिख रहा है रिंग रेसिड्यू है हमारे, ठीक है, ये रिंग रेसिड्यू 20 हो जाते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें, ये जो है ये रिंग की कंपैरिजन में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अपने दोनों हो रहे हैं, तो 10 और ऐड हो जाएंगे तो 283 आएगा, इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये अपना कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, फिंगर टिप्स बहुत सफिशिएंट है आपके जीपैड के लिए, फिंगर टिप बुक से आप आसानी से कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, फिंगर टिप बुक से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है, ये रिंग है ना, इन रिंग के रिस्पेक्ट में दिख रहा है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला, इसके वजह से 10 हमको ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा बेटा अपना कंप्लीट हो गया एनालिसिस का, आप इसको अटेंड कर लें, ठीक है, आप इसको जरूर अटेंड करें, ठीक है, और अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिले उनको जरूर आप लोग नोट करें, और ये जो महामैराथन सीरीज का टोटल टेस्ट आपके
ओके भाई, सभी के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप पढ़ते रहें, ठीक है।